हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संदीप ऑनलाइन क्लासेस। देखंतु इंडिया पोस्ट बा जो आम पोस्टल डिपार्टमेंट रही तरफ एक बड़ धरणर वैकेंसी सृष्टि होती। निश्चित रूपे यह समस्त चाकरी आशायी मानक एक खुशी खबर अटे। कौ पोस्ट क्रिएट होती जहाँकि आम ग्रामीण डाक सेवक बोल कौ जहाँ को आम GDS बोल कही था। GDS पोस्ट ह्यूज अमाउंट क्रिएट होती। कौ स्टेट पर क्रिएट होती आमको अन्य स्टेट सहित तो किसी आवश्यक नहीं, मैंने ओडिशा केते ताकि कौन डेट लाइन रही कौन आप एलिजिबल क्राइटेरिया रहा कथ आप क्वालिफिकेशन कौन रहा कथ आज वीडियो रे आमे से विषय आलोचना करवा। देखो गोटे नोटिफिकेशन है जे जो ग्रामीण डाक सेवक जहाँ को आम GDS बोल कौ टोटाल ऑल इंडिया 38,926 पोस्ट क्रिएट होती। मैंने निश्चित रूपे एक बड़ धरणर वैकेंसी सृष्टि होती। जो मैंने इतने एप्लाय करने चाहते से ऑनलाइन रे जाकि इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन .gov.in रे आपन एप्लाय करेंगे। केवल ऑनलाइन मोड रे ही आप एप्लिकेशन टी एप्लाय करेंगे, अन्य कौन तार मोड रे एप्लाय करना। तार जो डेडलाइन टी रही देखो एप्लिकेशन स्टार्ट डेट टी हूँ 2 मई 2022 एवं अप्लाई करिवार लास्ट डेट टी होची 5 जून 2022। यही डेट मध्ये जो मैंने अप्लाई करने चाहते आप जॉब पे अप्लाई करें। देखो जो GDS क्रिएट होती दुईटी कैटेगरी पोस्ट क्रिएट होती, गोटे होला BPM एवं अन्यटी है ABPM जहाँ को डाक सेवक बोल कि कहा जाए। जो मैंने BPM कैटेगरी अप्लाई करने चाहते सैलरी 12,000 टका रोक। जो मैंने ABPM कैटेगरी अप्लाई करने चाहते सैलरी 10,000 टका रोक। नेक्स्ट देखो आप जो एलिजिबिलिटी कौन रहा कथ, प्रथम कथाटी है जे आप मिनिमम 18 वर्ष होता कथ एवं 40 वर्षर अधिका हो नथिया कथा, माने मिनिमम 18 इयर्स एवं मैक्सिमम रही 40 इयर्स। नेक्स्ट ता सहित एटा कहछि एज विल बी डिटरमाइन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अनुजाई आपनकर एज टी लास्ट डेट अनुजाई आपनकर काउंट हबो। एवं ता सहित जो माने विभिन्न कैटेगरी रे आसुछन्ति जो जेपर कि माने रिलैक्सेशन रहुछि जो विभिन्न कैटेगरी पई कोउ देखंतु कोउ कैटेगरी पई केते इयर एससी मानक पई 5 इयर्स रहिबो, ओबीसी मानक पई 3 इयर्स, जो माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन छन ताका पई किछि रिलैक्सेशन नाही, जो माने पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो माने PWD कैटेगरी आसछन 10 इयर, जो माने PWD प्लस OBC से मानक 13 इयर रिलैक्सेशन, एवं जो माने PWD प्लस ST SC तांक 15 इयर्स रिलैक्सेशन रही। यही रिलैक्सेशन कैटेगरी जो माने आसुछंती से माने तार सुविधा पाई पारे। एवं देखंतु रिलैक्सेशन कौन कौन पाई रहिबो LV DIP HH OA OL लेपर्सी ता सहित SC डेटा विक्टिम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ए बोली जो विभिन्न कैटेगरी रही। ये कैटेगरी जब आप आसुछंती डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके तार सुविधाटे आप पारे। नेक्स्ट देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो GDS पोस्ट टी क्रिएट होती तार क्वालिफिकेशन कौन रहा कथा एटारे कहे। देखो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव। आपण दशम श्रेणी पास करथिबा कथा जो थे कि मैथ एवं इंग्लिश सब्जेक्ट हिसाब से निहाती रहा जरूरी, ताहा कंपलसरी हो पारे बा इलेक्टिव हो पारे, किंतु यही दुईटी सब्जेक्ट आप 10th स्टैंडर्ड रे निहाती पढ़ी जरूरी अटे। एवं से जो 10th आप पढ़ते ताहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किंबा स्टेट गवर्नमेंट किंबा यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जो रही तार बोर्ड अंडर आप 10th बा मेट्रिकुलेसन पास करता यह जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टी ताठार अधिका थे भल किसी असुविधा नहीं। नेक्स्ट आउ गोटे कथा है जे कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो माने जो लोकालिटी रु बिलंग्स करछंती से माने निजर लोकल लैंग्वेज निहाती भावरे जानिथिबा दरकार। एवं कहुची द कैंडिडेट सुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलिस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल आम ओडिया रे माने आमर स्टेट ओडिशा आमर लैंग्वेज होची ओडिया, तो निहाती भाबरे ओडिया आपनकर 10th पर्यंत रहिबा कथा आपन ता पढ़ीतिबा कथा ए कथा प्रति ध्यान देबे। नेक्स्ट कहुची देखंतु तो नॉलेज ऑफ साइक्लिंग, यही GDS पोस्ट पाई जो कैंडिडेट माने अप्लाई करछंती से माने निश्चित रूपे साइक्लिंग जानिथिबा कथा एवं तांको ता सहित स्कूटर राइडिंग मोटरसाइकिल राइडिंग रो मध्य नॉलेज दरकार बोली किठारे
कहे यहीपर भाव तार जो मिनिमम क्राइटेरिया गुड़िका आम से विषय जाणी ने देखूँ एटे आनेक गुड़े अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट कौन कौन अपलोड करेंगे देखते ये कहे जितेबाला एप्लाय कर रिसेंट गोटे फोटोग्राफ लगे जहाँकि 50 केबी रु अधिक हो न कथा और आप जो सिग्नेचर लगे ता 20 केबी रु अधिक हो न कथा एवं सबमिशन ऑफ 10th क्लास मार्क डिटेल आपण जितेबाला एप्लाय कर 10th क्लास रो मार्क आपण डिटेल एथारे अपलोड करिवे ता सहित एठारे आपण को फॉर्म मध्य दे दैछि को माने एटा पॉइंट वाइज हम आप जो मैंने विभिन्न ग्रेड पॉइंट गुड़िक थाए कौ फैक्टर काउंट हम आप देखी नि जो मैंने ए वन ग्रेड रे अच्छा 10 पॉइंट ता मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 एटारे गोटे चार्ट देदेला जो मैंने मेट्रिक रे कौ ग्रेड आपको कन्वर्ट करें पॉइंट रे एवं एठारे किसी फर्म मध्य देखो आप अंडरटेकिंग देवाई कही डिक्लेरेशन फर्म अच्छे और लास्ट आसतु जानवा जे जो पोस्ट रही कौ स्टेट में कत देखो अगर स्टेट सहित आम कौन सी ये मानने किसी मतलब नुहे आम ओडिशा स्टेट रू बिलंग करूँ तो यठारे देखु सर्वमोट अच्छी 3,066 पोस्ट टोटल अच्छी देखो 3,066 पोस्ट ओडापर आप अनरिजर्व अच्छे 1,278 पोस्ट यठार आप देखिपर तार जो कैटेगोरी गुड़िकी देखु यहाँ है 314 ओबीसी मानों पर ईडब्ल्यूएस 299 एससी मानों पर 259 एसटी मानक 631 एवं पीडब्ल्यूडी ए कैटेगोरी जो मैंने आई 25 पीडब्ल्यूडी बी कैटेगोरी जो मैंने 19 जो मैंने पीडब्ल्यूडी सी कैटेगोरी आई 28 जो मैंने पीडब्ल्यूडी डी कैटेगोरी आई 6 पोस्ट रहीपर भाव में टोटाल ओडिशा 3,066 पोस्ट अच्छी आप जो कैटेगोरी बिलंग्स करते आप एप्लाय करेंगे निहाती भाव एक बड़ धरण रिक्रुटमेंट सृष्टि आशा करमेसन टी निश्चित रूप आप हेल्पफुल रहा थैंक यू।